नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी को। आरओ और एआरओ परीक्षा के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ ही 337 पदों के लिए आपकी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। और उन सभी लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जो हिंदी के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं और जो एक ऐसे पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जो एक जगह पर रहकर पूरी लाइफ टाइम अपनी सर्विस को स्पेंड करना चाहते हैं, एक बेहतर स्ट्रक्चर, एक बेहतर फीचर के साथ में है, जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। क्योंकि इसमें ट्रांसफर जैसे झंझटें नहीं होती हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में हो या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ की जो है पोस्ट हो। तो ये इसकी एक खूबसूरती भी है कि जहां पर आप रहेंगे वहां पर स्थानांतरण या ट्रांसफर इत्यादि की जो है समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। तो एक बेहतर विश्वास के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करने की दिशा में आज से ही आप जुट जाइए। क्योंकि जितना समय आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है वो समय तैयारी के लिए बहुत ही पर्याप्त है। क्योंकि उसमें अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्य को जो मात देना और इस लक्ष्य को जो प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर समय का उपयोग करते हैं तो ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और समय का दुरुपयोग करते हैं तो जीवन का पूरा समय भी कम पड़ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जिससे इस परीक्षा के स्वरूप, पदों की संख्या और सारी चीजों के बारे में न केवल जानकारी प्राप्त होगी बल्कि इससे आपको एक बेहतर रणनीति मिलेगा, जिन रणनीतियों पर चल करके आप अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर पाने में जो है काफी सरलता का जो है महसूस करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके पदों की संरचना, परीक्षा का स्वरूप, सीट एवं वेतन संरचना तथा रणनीति, इन सभी बिंदुओं पर यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि जानकारी है कि यहां पर 337 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बेसिकली यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटों की संख्या, क्योंकि कई बार सीटें आती हैं तो बहुत ही कम लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाती हैं, जिससे अगर उसमें हम अपने आप को, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, अपनी मेहनत को वहां पे दिखाना चाहते हैं तो उसका दायरा बहुत कम होता है। लेकिन जब सीटों की संख्या अधिक है तो इस बात की व्यवहारिकता ज्यादा होती है कि आपके प्रयास को जमीन पर उतारने में जो है आसानी मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगर इन रणनीतियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस लक्ष्य को फतह करने में सफल होंगे। तो 337 पदों के लिए यहाँ पर आरओ एआरओ और विभिन्न प्रकार के विभागों की सीटों को जो है निकाला गया है, जिसपे आपको तैयारी करना है और एग्जाम देना है। पदों की संरचना पर अगर बात करें तो बेसिकली तीन प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक तो यह है कि आरओ के संदर्भ में है, आरओ के संदर्भ में चार प्रकार की सीटें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, सचिवालय उत्तर प्रदेश, और इसी तरीके से निर्वाचन आयोग तथा राजस्व परिषद, इन जगहों पे चार प्रकार के विभागों में आपको समीक्षा अधिकारी की सीटें दी गई, जहां पर विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की मांग की गई है। यद्यपि नोटिफिकेशन में देखने पर कुछ पदों के लिए अन्य प्रकार की डिग्री जैसे टाइप और डुएक द्वारा वो लेवल की डिग्री की मांग की गई, जिससे कंफ्यूज होने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आरओ के लिए नहीं है बल्कि अन्य प्रकार के सीटों के लिए है, जिसे हम अगले दो बिंदुओं में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रयास करना है आरओ के लिए, आपको अपना टारगेट निश्चित करना है आरओ के लिए, क्योंकि हम बेहतर के लिए जो हम रणनीति बनाएंगे, जो हम सोच पैदा करेंगे, जिस पथ पर हम चलने का प्रयास करेंगे वो है सीट आरओ। तो हम चलने का प्रयास करेंगे, अगर यहां पर आपके मार्क्स किसी कारण से कम होते हैं तो कम से कम आप एआरओ की सीट को प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से यहां पर एआरओ की सीटें दी गई हैं, और एआरओ की सीटें जो है वो इन सभी डिपार्टमेंट्स में जिसका कि ऊपर जिक्र किया गया, जहां पर आरओ की सीटें हैं वहां पर एआरओ की भी सीटें कही गई हैं। और इन जगहों पर जो है, इन जगहों पर आपको डोएक द्वारा ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, प्लस वहां पर 25 शब्दों के हिंदी के टाइप की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। डोएक का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस होता है, डीओईएसीसी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन एंड कंप्यूटर क्लासेस, इसके द्वारा जारी किए गए ओ लेवल के सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी, जो कि एआरओ सीट के लिए कंपलसरी होगी। और यहां पर आपको 25 शब्दों की जो है टाइप टेस्ट भी हिंदी में देना होगा। यद्यपि अंग्रेजी अगर किसी को आता है तो उसे अधिमानी
उसका कोई वेटेज नहीं होगा, लेकिन अगर किन्हीं दो कैंडिडेट के मार्क्स और टाइमिंग बराबर होती है तो वहां पर ऐसे कैंडिडेट जिनको अंग्रेजी भी आता है उसे अधिमान दिया जाएगा, उनको वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरीके से एआरओ सीट के लिए जो उन सभी जगहों पे, इसके अलावा तीसरे प्रकार की भी वहां पर सीटें दी गई हैं, आरओ लेखा में, आरओ उर्दू और आरओ हिंदी। तो जैसे उर्दू के लिए एक शब्द उर्दू यहां पर है और इस उर्दू भाषा के साथ आपको स्नातक करना होगा, और इसी के साथ साथ यद्यपि यहां पर इस प्रकार के जो है टाइप इत्यादि की बातें नहीं कही गई हैं, और इन आरओ के तीनों प्रकारों के लिए जैसे कि लेखा शब्द और उर्दू और आरओ हिंदी, लेकिन यहां पर स्नातक में आपके हिंदी होना चाहिए, हिंदी आरओ हिंदी के लिए स्नातक में आपका हिंदी होना चाहिए। इसी तरीके से लेखा के लिए आपको लेखा कर्म में या कॉमर्स में आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए, तथा साथ में उर्दू के लिए उर्दू विषय से आपका स्नातक होना चाहिए, या इसी प्रकार से कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो उर्दू के लिए जो है विशेष प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं जिससे कि स्नातक के समकक्ष दर्जा दिया गया है, तो वहां पर एक विषय के रूप में उर्दू से स्नातक को छूट प्रदान किया गया है। तो जैसे एक कोर्स है अदीब ए आमिल, तो इस कोर्स को जो है यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी के द्वारा किया गया है तो वो समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए इलिजिबल होगा, अर्ह होगा और वहां पर वो जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पदों की तीन प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक आरओ के लिए है, एक एआरओ के लिए है उन्हीं चारों डिपार्टमेंट में, और प्लस कुछ आरओ की विशेष प्रकार की सीटें हैं जिनमें विषय की जो है आपको अर्हता और विशेष प्रकार की योग्यता की बात कही गई, अन्य के लिए डुएक द्वारा ओ लेवल के सर्टिफिकेट और 25 शब्दों के टाइप टंकण की योग्यता की भी मांग की गई है, जो कि मुख्य परीक्षा के बाद आपको वहां पर कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट के रूप में देना होगा। तो ये रही बातें जो है आप लोगों के साथ पदों की संरचना के संदर्भ में। हम बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा का स्वरूप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगा, और यहाँ पर इंटरव्यू जैसा कि पूर्व में भी है कि नहीं होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो स्वरूप, प्री लेवल का जो स्वरूप होगा वो आपके 60 क्वेश्चन प्लस 120, इस पर डिपेंड करेगा हिंदी और यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन होंगे। ये जो है 6 टॉपिक में बटे होंगे जहां से 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये सभी से एक एक क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स से होंगे। तो यहाँ 6×10 का तात्पर्य है कि यहाँ पे 6 टॉपिक रखे गए हैं, और इन 6 टॉपिक में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, इसी तरीके से विशेषण और विशेष, वर्तनी और वाक्य अशुद्धि, तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 6 टॉपिक हैं जहां से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस तरीके से आपके 60 हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के रणनीतियों एकदम कमिटेड होकर के अगर तैयारी की दिशा में आप लगेंगे तो यहाँ ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर 60 में 60 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। सामान्य स्तर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए 50 क्वेश्चन यहाँ तैयार होते हैं, ठीक ठाक तैयारी करने वाले लोगों के लिए जो है 55 से 56 क्वेश्चन, और मैं स्वयं समीक्षा अधिकारी की कई बार परीक्षाएं मैंने दिया जहां पर 60 में 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि मैं रणनीतियों में चर्चा करने वाला हूं, वहां पर आप लोग देखेंगे कि किन प्रकार के जो है बिंदुओं को, किन प्रकार के तकनीकों को, किन प्रकार की सावधानियों को आप अपनाएंगे जिससे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्राप्त करना, अचीव करना संभव हो पाएगा। इसी तरीके से अगर मेंस के लेवल पर जो है देखें तो मेन के एग्जाम में जो कि आपके चयन का आधार बनेगा, यहाँ पर 120 क्वेश्चन के जीएस के पेपर होंगे, इसी तरीके से निबंध के क्वेश्चन होंगे, ये भी 120 मार्क्स के होंगे, और इसी तरीके से हिंदी के जो है परंपरागत 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा हिंदी जो है विकल्पीय, हिंदी जो है वैकल्पिक होगा जो कि 60 नंबर का होगा। टोटल आप देखेंगे 120, 240, 340 और 400, तो इस तरीके से 400 मार्क्स के आपके मेन एग्जाम होंगे, और यही एग्जाम आपके चयन का आधार एग्जाम में बनेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो जीएस का पोर्शन है वो जीएस उसी तरीके से जैसे पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाया गया है। निबंध आपको 3 निबंध लिखे जाएंगे, 40×3 में जो है होगा, और इस तरीके से 120 क्वेश्चन आएंगे, और निबंध भी उसी
प्रकार के जो है सिलेबस को रखा गया है, जैसा कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में रखा गया है, और हिंदी यहाँ पर परंपरागत रखे जाएंगे, और इन परंपरागत में 6 टॉपिक मूल रूप से रखे गए हैं। इसमें सारांश रेखांकित अंशों की व्याख्या एक हो गया, दूसरा पत्र दिया जाएगा, उसको सारे रूप में लिखना होगा। बहुत ही सरल टॉपिक होता है जो बहुत कम समय में आपको 15 नंबर लेने में मदद करता है, बहुत ही आसानी से। आप लोगों को आगे की कक्षाओं में इस पर वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला पत्राचार है, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक है, कार्यालय आदेश है, विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं जो कि तीसरा प्रश्न बनता है। अगला है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी और हिंदी के 10-10 रहेंगे, नंबर के 5-5 क्वेश्चन होंगे, दो दो प्रति दो नंबर के एक क्वेश्चन, यानी 5 हिंदी से अंग्रेजी और 5 अंग्रेजी से हिंदी में, तो 10-10 क्वेश्चन के होंगे, और इसी तरीके से 10 नंबर के आपके आएंगे मुहावरा एवं लोकोक्तियां। तो ये 6 टॉपिक होंगे, और 6 टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक होते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपनी पकड़ इन पर जो है बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा का स्तर बहुत ही सॉलिड मार्क्स लेने की दिशा में है। अगर थोड़ा सा रणनीति, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन, थोड़ा सा अपने मेहनत पर विश्वास और रिवाइज करने के ट्रिक्स, जो कि पहले की कई जो मोटिवेशनल वीडियो में बताए गए, अगर आप उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लेने और परीक्षा में जो है अच्छे पद प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदी के वैकल्पिक की जहां तक बात है, ये वही जो है जो यहाँ पर पूर्व में दिया गया है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पर जो है क्वेश्चन की संख्या 30 होगी, और प्रति क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 60, वही जो 60 यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 30 आएंगे, यहाँ 1 नंबर के होंगे, यहाँ पे 2 नंबर के होंगे, और टॉपिक सेम वही 6 ही होंगे जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए रखे गए। तो बहुत ही एकदम सेट पैटर्न है एग्जाम का, बहुत ही सुलझा हुआ जो है टॉपिक है, जिस पर मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना बेहद आसान आप लोगों के लिए ये हो सकता है। सीट एवं वेतन की संरचना पर अगर बात किया जाए, तो हम पहले ही इस पर कर चुके हैं। वेतन की संरचना पर अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और जिज्ञासा वाला जो है क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपके 2 प्रकार के जो है मैट्रिक्स लेवल में जो है पद रखे गए हैं। जिसे पूर्व की संरचना में अगर देखा जाए, 6वें वेतनमान में जो व्यवस्थाएं की गई है, तो यहाँ पर 4600 ग्रेड पे, और प्लस दूसरा है 4800 ग्रेड पे, जिसे वर्तमान समय में यानी कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल में चेंज कर दिया गया है। ये पूर्व में पेमेंट और ग्रेड पे होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे मैट्रिक्स लेवल में चेंज कर दिया गया है। ये मैट्रिक्स लेवल 7 होता है, और ये मैट्रिक्स लेवल 8 में रखा गया है। आपको ये 2 प्रकार के जो है पदों में रखा गया है, जो कि अलग अलग प्रकार के जो है शहरों में एचआरए को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वेतन संरचनाएं बनती हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 55,000 और 60,000 के रेंज में आपके वेतन बनेंगे। ये 2 प्रकार के वेतन संरचना रखे गए हैं, जहां जहां पर ऊपर की सीटों में आरओ की बात की गई है, वो आपका 4800 ग्रेड पे पेमेंट, और वर्तमान 7वें वेतन संरचना में मैट्रिक्स लेवल 8 का पोस्ट होता है। खैर, इसके संदर्भ में आपको आगे और भी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर केवल 2 मैट्रिक्स लेवल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण है रणनीति, यहाँ पर रणनीति में जो 2 प्रकार के एरो लगाया गया है, एक जीएस के लिए है, तो जीएस में वही सिलेबस, उसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि प्रारंभिक पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, सेम वैसे ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, और इसके संदर्भ में रणनीतियां पीसीएस नोटिफिकेशन के दौरान आप लोगों को दिया गया है। तो जहां से वीडियो आप देख करके अपनी रणनीतियों को जीएस के संदर्भ में आप वहां पर मजबूत कर पाएंगे, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है आप उस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। और अगली बात है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए यहां पर 3 पॉइंट आउट किए गए हैं। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी है, काफी क्वेश्चन जो कत्यो परीक्षा में रिपीट अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी का दायरा अगर विलोम शब्द है तो नए विलोम नहीं बनेंगे, क्योंकि करंट जैसे जीएस होता है तो करंट के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई संभावनाएं नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करना है। उससे 2 चीजें, एक तो क्वेश्चन की तैयारी भी होती है, दूसरा क्वेश्चन के आयाम के बारे में पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और तीसरी सबसे बात यह है कि उसकी गहराई, उसकी इंटेंसिटी, उसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में आपको जानकारी मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन की कठिनाई का स्तर होता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको बुक, जो एक महत्वपूर्ण जो बेस बुक आप लोगों के लिए बनाई गई है, उन बुक को जो है देख करके और उस पर आधारित आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि सेक्शन हिंदी का बहुत ही
कॉम्पैक्ट है, बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मित्र जो हमारे हैं कई बार एग्जाम दिए हैं और अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी अगली बार एग्जाम में अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ इसलिए नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं क्योंकि उनका जो मैटर है वो बिखरा हुआ है, उस पर उनका कोई कंक्रीट जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उस मजबूती नहीं आ पाती है जैसा कि उसको आना चाहिए। इसलिए जो भी 6 टॉपिक हैं उस पर आधारित आपको नोट्स यहाँ पर बनाने की जरूरत होगी। यद्यपि अगर आप इसको नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आपको वो नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे जो कि री एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से बनाया गया है और पूर्व के एग्जाम में भी लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला प्रयास रहा है। तो इसलिए यहां से नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में जाकर के आप क्वेश्चन को गलत करके सीखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी यहां पर जो है क्षमे नहीं किया जा सकता किसी को। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना अपने आवास पर अपने जो है स्टडी रूम में जरूरी है और इसके लिए भी री एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया जाएगा जो कि आगामी जो है महीनों में स्टार्ट किया जाएगा, जिससे आप अपनी तो तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं समझता हूं कि आरओआरओ एग्जाम के संदर्भ में यह एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन, विभिन्न प्रकार की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको एक बेहतर समझ पैदा हुई होगी एग्जाम के बारे में और आप एक जोश खरोश के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने स्टडी मटेरियल के साथ अपने तैयारी पर जो लग जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आरओआरओ के एग्जाम और आप लोगों की रणनीति और सूचनाओं पर जो है आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण लगा होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले समय में हिंदी पर जो है आगामी एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है जो कि समीक्षा अधिकारी पर आधारित होगा, जहां पर आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल जो है वीडियो के लिए टैप कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों की इसके बारे में जानकारी दी गई। अपनी अन्य विषयों की तैयारी के साथ साथ यहां पर उपलब्ध करवाने वाले स्टडी मटेरियल की आप बेहतर दिशा में तैयारी करते रहिए। पुनः नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो कि आपके पैरों को जो है मजबूत कर सकता है और एग्जाम में आपके कलम को मजबूत कर सकता है, के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।